अयान, शीरीन, राशिद, अम्मी, कहाँ तुम लोग? क्या बता रही हैं? राशिद कहाँ? अम्मी वो बाहर गए हैं, क्या हुआ? बाहर कहाँ गए राशिद? लीजिए आगे। राशिद, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? राशिद, राशिद, हमने तुमसे कहा था ना, इस घर में होने वाले तमाम साजिशों के पीछे कज़िया का हाथ है। अब हमारा शक यकीन में बदल गया राशिद, सच कह रहे हैं आप? बड़ी भी, क्या कह रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? हमारी तबीयत ठीक है, अपना दिखावा बंद करिए आप। अम्मी आखिर हुआ क्या है? हम सच कह रहे हैं, जजिया ने खुद हमसे कहा कि उसने दिलशाद पर गोली चलाई है, उसने दिलशाद पर गोली चलाई है, उसने दिलशाद पर गोली चलाई है, उसने दिलशाद पर गोली चलाई है। हाँ, और इसने इसे ये भी कहा कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। बहुत बड़ी साजिश कर रही है वो। चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। अम्मी, चलो। अम्मी लेकिन पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अब ये क्या कर रही हैं? अगर क्लाइंट की लिस्ट से कुछ नहीं पता चला तो इट्स ओके। हम उस शूटर को ट्रैक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसे किसने हायर किया था। और हम उस शूटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमें पता भी नहीं वो कौन। डोंट फॉरगेट मिस्टर खान कि मैंने उसे चेज किया था। उसने मास्क पहना था, मैं उसे नहीं देख पाई, बट आई एम श्योर मैं फोटोग्राफ देख के पहचान सकती हूँ। ये देखिए, मैंने फीनिक्स सिक्योरिटी एजेंसी के एम्प्लॉय डेटा रिकॉर्ड को ट्रैक कर लिया है। एंड आपको पता है, ओनली ज़ोया फारूकी कैन डू दैट। आई एम द बेस्ट मिस्टर और आई एम द बेस्ट। आपका दिमाग खराब हो गया, नीचे उतरिए। मिया, what's wrong with you, Mr. Khan? ये हमारे लिए एक छोटी सी विक्ट्री है, just the first step. You know what, Mr. Khan? मुझे ऐसा लगता है, you should seriously fall in love. पर आप इतने अकड़ू हैं कि आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। Well, इसी बात में एक शेर अर्ज है। जहां पना सिक्स पैक कब कहेंगे मुझे कोई मिल गया? जहां पना सिक्स पैक्स कब कहेंगे कोई मिल गया? आप प्यार में गिरेंगे और आप कहेंगे ओ नो, मेरा घुटना झुल गया। मिस्टर खान आप सुपर बोरिंग हैं और मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली चैलेंज्ड हैं। और ये भी एक चैलेंज। फीनिक्स सिक्योरिटी एजेंसी में 2,500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। देखिए इनमें से कौन है? नॉट अ बिग डील, मैं पहचान सकती हूँ। वेट, यही है, यही है मिस्टर खान जिसने गुप्पी पर अटैक। ये एक मिनट, हाँ नहीं नहीं वो नहीं, ये एक 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 मिनट, हाँ रजिया, पानी सर से ऊपर चला गया है। और ये तुम्हें क्या हो गया? बड़ी बी को सब कुछ सच सच बता दिया कि दिलशाद पे हमला तुमने करवाया था। जी, बड़ी बी की बातों का यकीन करेगा कौन? और आपने देखा नहीं मैंने किस तरह से बाजी पलट दी? लेकिन रजिया तुम ये, आप इत्मीनान रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रजिया जो तैरना जानते हैं ना, वही अक्सर पानी में डूबते हैं। तुम्हारा ये गुरूर कहीं तुम्हें ना ले डूबे। तुम शायद भूल रही हो कि दिलशाद बच गई है और उसके पास राशिद की बेगुनाही का
कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। राशिद उससे मिलने गया था, वो सबूत उसने दे दिया होगा। अगर दे दिया होता तो राशिद मियां इस तरह से खामोश नहीं बैठे होते। अगर राशिद मियां को कोई भी सबूत मिल गया होता तो अब तक तो उन्होंने हमें जेल पहुंचवा दिया होता। लेकिन दिलशाद उसे सबूत क्यों नहीं देगी? क्योंकि हो सकता है कि दिलशाद के पास सबूत हो ही नहीं। ये सब राशिद मियां को अपने पास बुलाने का बहाना हो। रजिया, तुमने दिलशाद पर गोली चलवाई ये सोचकर कि उसके पास राशिद की बेगुनाही का सबूत है, और अब तुम कह रही हो कि उसके पास कोई सबूत है ही नहीं। जी, मैं तो सिर्फ एहतियात बरत रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि दिलशाद के पास कोई भी सबूत है या नहीं, पर अब पता है। और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं ढूंढ निकालूंगी रास्ता उस सबूत को मिटाने का। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, गुड़िया फैक्ट्री का राज हमेशा राज रहेगा। सिक्योरिटी, कैन आई हेल्प यू? ओनली यू कैन हेल्प मी सर। जी कहिए सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके सिक्योरिटी ऑफिस में आमालाइट AR-24K10 पिस्टल किसके पास है? आई एम सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता सर। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या आप किसी मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? मतलब? अभी बताती हूँ, लंबी स्टोरी है। आप जानते हैं भाईजान, मेरे ग्रैंडफादर एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, और वो अपनी गन से बहुत ज्यादा अटैच थे, जो उनके पास अब नहीं रही। पता है वो मुझसे क्या कहते थे? वो कहते थे कि मैं अपनी उस गन के साथ अपने बाएं हाथ से परफेक्ट निशाना लगा सकता हूँ, पर वो ऐसा कभी नहीं कर पाए भाईजान। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनके मरने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँ। अगर मेरा आइडिया ये काम कर गया ना, तो आप वही करेंगे मिस्टर खान जो मैं कहूंगी, ओके? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन भाईजान, मैं आपकी मदद के बिना अपने ग्रैंडफादर की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। अगर आप मुझे बता देंगे कि आपके सिक्योरिटी सिस्टम में वो गन किसके पास है, तो मैं जाकर उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गन वाले अंकल प्लीज एक बार मेरे ग्रैंडफादर की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। प्लीज भाईजान मना मत कीजिएगा, वरना आपकी छोटी बहन का दिल टूट जाएगा। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। जब से मैंने बताया कि ये खाना मैंने बनाया, कोई खाना ही नहीं चाहता। तो कम से कम दादी आप तो मना नहीं करती। खैर, आपको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं ही खाता हूं। नहीं आयान, हम में से कोई ये खाना नहीं खाएगा, इसमें जहर है। जहर? दादी ये खाना तो मैंने और हुमेरा ने बनाया है। बनाया तुम नहीं है, लेकिन रजिया ने इसमें जहर मिलाया है। हम ये क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया आपको? कैसे कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? राशिद, तुम्हें क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही है? भाभी देखिए ना, अम्मी को लग रहा है कि आपने उनके खाने में जहर मिलाया है।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।